आज की इस वीडियो में होंगे कुछ ऐसी न्यू टेक इन्वेंशन जिनकी टेक्नोलॉजी देखकर आप भी वाकई चौंक जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उससे पहले रहेगी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करेगा और इंटरेस्टिंग लगे तो सब्सक्राइब तो करना बनता है दोस्तों। नंबर 9, कैंपिंग स्टोव। कैंपिंग के दौरान अगर आप टेंट लगाकर कहीं भी सेटअप लगाते हैं तो आपको खाना भी यकीनन बनाना ही पड़ता होगा, जिसके लिए बहुत सारे लोग लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके जलाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और अगर बरसात वगैरह हो रही हो तब तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जरूरत होती है आपको एक स्टोव की, जिसे जहां चाहे वहां पर आसानी से सेटअप कर सके और आपको गरम गरम खाना मिल सके। तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के पोर्टेबल कैंपिंग स्टोव को, जो कि देखने में एक सिलेंडर के साइज का लगता है। इसे बस आपको ओपन करना होगा, ये पूरे फोल्डेड शेप में रहेगा। इसमें एक छोटा सा सिलेंडर भी मिलता है जो कि फ्यूल पर्पस इस्तेमाल होता है। बस स्टोव के साथ आपको इस फ्यूल सिलेंडर को सेटअप करना है, जिसके बाद आप आसानी से स्टोव को जला सकते हैं। खाना बनाने के लिए बेहद बेहतरीन रहेगा और जरूरत ना होने पर आप इसे फिर से फोल्ड करके कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो कैंपिंग के दौरान इस तरीके का सेटअप अपने आप में नेक्स्ट लेवल रहता है। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये गैजेट आपको कैसा लगा। नंबर 8, रैपिड रोप। रस्सी की जरूरत तो हमें डेली लाइफस्टाइल में पड़ती ही रहती है, फिर चाहे किसी चीज और सामान को बांधना हो तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले रस्सी को ढूंढना शुरू करते हैं। तो अगर आप भी अपने घर पर एक ऐसी छोटी सी रोप रखना चाहते हैं जिसे जरूरत पड़ने पर आप कभी भी इस्तेमाल कर सकें, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस रैपिड रोप को। इसकी खास बात ये रहती है कि ये बॉक्स के अंदर पूरी तरीके से फोल्डेड मोड में रहती है और जब भी आपको जरूरत होती है रस्सी की तो बस इसे खींचकर बाहर निकालकर कहीं भी टाइट कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा कटर भी लगा रहता है, जिससे कि रस्सी को आसानी से काटा भी जा सकता है। और यही नहीं, इसका इस्तेमाल कैंपिंग वगैरह के दौरान भी किया जा सकता है ढेर सारे सामान को बांधने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप अपने साथ एक ऐसी मजबूत रस्सी रखना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल चीज और सामान को बांधने के लिए आसानी से किया जा सके, तो ये आपके लिए एक कमाल का ऑप्शन रहेगा। नंबर 7, बो वाओ बैरियर। अगर आपके घर में पेट है तो आपने ये चीज जरूर से कभी न कभी तो फील करी होगी कि जैसे ही आप गेट खोलते हैं फौरन आपका पेट बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है, और जब भी कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो आपको उनकी सेफ्टी के लिए अपने पेट को पकड़ के रखना पड़ता होगा। तो ऐसी ही प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है घरों में जिनके घर में पेट होते हैं। तो इसके लिए खास तौर पर इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है, जिसे कि डोर पर इंस्टॉल करना होगा। ये एक अलग तरीके का बैरियर होता है, जिसे कि बस आप डोर में इंस्टॉल कर देते हैं और जब भी आप इसे इंस्टॉल करने के बाद डोर को खोलते हैं तो फौरन ये पूरी तरीके से एक्सपेंड हो जाता है, जिससे कि गेट के पास एक बैरियर बन जाता है और आपके पेट इसके बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ये एक कमाल का तरीका होता है पेट्स को रोकने का, जिससे कि आप आराम से गेट को ओपन कर सकते हैं किसी के भी आने पर। तो दोस्तों, अगर आप एक पेट लवर हैं तो इस गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, कप अबक। घरों में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अक्सर आते ही रहते हैं, जिन्हें की पकड़कर बाहर फेंकना बहुत मुश्किल काम होता है। हम ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें की छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है और इस काम को करने से बचते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जो कि ये काम बड़ी आसानी से कर सकता है। दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसमें कि एक लंबी सी स्टिक लगी होती है और नीचे की तरफ एक छोटा सा बकेट टाइप की होती है, जिसमें कि आप आसानी से किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़ों को कैद करके बाहर फेंक सकते हैं। तो अगर आपको भी डर लगता है अक्सर कीड़े मकोड़ों को पकड़कर फेंकने में, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को और कमेंट बॉक्स में बताएगा कि इस गैजेट के यूजर्स क्या आपने कभी फील किए हैं या नहीं। नंबर 5, क्रश मैट्रिक पेन। पेन का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं अपने डेली रूटीन में, लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको जो पेन दिखाने वाला हूँ वो कोई नॉर्मल पेन नहीं रहता, बल्कि उसकी डिजाइन इंस्पायर्ड होती है एक कैन से। जिस तरीके से कैन का इस्तेमाल होने के बाद हम उसे क्रश करके फेंक देते हैं, तो क्रश होने के बाद जैसा उसका लुक हो जाता है, कुछ कुछ इस पेन का लुक भी वैसा ही होने वाला है जब आप इसे इस्तेमाल करने चलेंगे। इसमें आपको ऊपर की तरफ एक स्विच दे रखा होता है और जैसे ही आप इसे नीचे की तरफ पुश करते हैं तो फौरन ये एकदम क्रश वाले स्टाइल में इसकी डिजाइन बन जाती है, जिससे कि ये पेन दिखने में बेहद अट्रैक्टिव लगता है। नॉर्मल में तो ये आपको एक नॉर्मल पेन जैसे ही लगेगा, लेकिन जब जब आप इसका स्विच प्रेस करेंगे तो इसकी पूरी बॉडी सिकुड़ जाती है, जिसके बाद दिखने में ये एकदम क्रश्ड कैन जैसा लगता है। तो इसकी डिजाइन काफी हद तक इंस्पायर होती है एक क्रश किए हुए कैन से, जो कि इस पेन को काफी अट्रैक्टिव भी बनाती है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये पेन कैसा लगा। नंबर 4, स्कैन मार्कर पेन। अगर किसी भी स्कैनर की बात करी जाए तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा एक ऐसे प्रिंटर का, जिसके ऊपरी हिस्से में आप किसी डॉक्यूमेंट को रखते हैं और वो उसे स्कैन करके आपको डिस्प्ले पर शो कर देता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा स्कैनर दिखाने वाला हूँ जो कि साइज में प्रिंटर की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा रहेगा, बल्कि उसे आप अपनी जेब में रखकर भी कहीं भी ले जा सकते हैं। जी दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा स्कैनर होता है जो कि देखने में एक पेन जैसा ही लगता है, जिसमें निचले हिस्से में आपको स्कैनर दे रखा होता है और बस इसकी नेब को आपको करेक्टर्स पर फिराना होता है, जिसके बाद ये उसे आसानी से स्कैन करके आपके मोबाइल
फोन, कंप्यूटर और टैबलेट पर शो कर देता है, जिसे कि अगर आप बाद में चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। ये गैजेट 40 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, यानी कि इन 40 भाषाओं को आप स्कैन करके वर्ड फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो काफी यूजफुल ये टेक्नोलॉजी हो जाती है, लेकिन इसके यूजर्स यहीं पर खत्म नहीं हो जाते। अगर आप इसे स्कैन टेक्स्ट को वॉइस फॉर्म में सुनना चाहते हैं तो उसके भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि ये स्कैन किए गए टेक्स्ट को आसानी से पढ़ भी सकता है आपके लिए। तो एक स्कैनर से बढ़कर काफी कमाल के फीचर्स आपको ये देता है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो होना ही चाहिए। नंबर 3, रूफटॉप कैंपर। कैंपिंग करने वाले लोग अगर टेंट लगाने से बचना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के पोर्टेबल टेंट को, जो कि आपकी कार के ऊपर आसानी से सेटअप हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं पर भी कैंपिंग करते हैं तो आपको भारी भरकम टेंट के सेटअप को अपने साथ ले जाना पड़ता है, और साथ ही एक ऐसी जगह भी देखनी पड़ती है जहाँ पर आप सेफली उसे इंस्टॉल कर सके, और इसमें अच्छा खासा समय तो चला ही जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके के सेटअप को अपने साथ लेकर कैरी करते हैं तो ये आपके लिए एक ऐसा टेंट सेटअप होता है जिसे कि आप अपनी कार के ऊपर लगा पाएंगे, और जहाँ पर भी जरूरत हो तो इसे ओपन करिए और इस्तेमाल करिए। इसमें जो एक्सेस दे रखी होती है वो आपकी कार के सनरूफ से दे रखी होती है, जिससे कि जब भी आप अपने कार के टेंट में जाना चाहें तो इसके अंदर से ही जा सकते हैं सनरूफ से होते हुए। और यही नहीं दोस्तों, ये पूरी तरीके से ओपन भी रहता है, जहां पर आपको छोटी छोटी काफी सारी विंडोज भी मिल जाती है, जिससे कि बाहर का नजारा भी आपको अच्छा खासा मिलता रहेगा। और जरूरत ना होने पर आप इसे फिर से फोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कार और एसयूवी में आसानी से कहीं भी लेकर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो अगर आप भी घूमने फिरने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस तरीके के गैजेट के लिए एक लाइक का सपोर्ट तो मिलना चाहिए आपकी तरफ से। नंबर 2, प्योर पोर्ट। अगर आप एक स्मार्टफोन यूजर हैं तो ये गैजेट आपको जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, जो मोबाइल फोन के चार्जिंग पोर्ट हैं वो काफी ज्यादा गंदे हो जाते हैं अंदर से, जिसमें कि अक्सर धूल मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है, और जब भी आप अपने फोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि केबल बहुत ज्यादा ढीली हो गई है। दरअसल ऐसा इसलिए हो पाता है कि केबल आपकी अंदर ही नहीं जा पाती है उस फोन के पोर्ट में। तो दोस्तों, इसकी साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसमें काम आएगा ये गैजेट, जिसमें कि आपको अलग अलग तरीके के बहुत सारे ब्रशेस दे रखे होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप पोर्ट की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, केबल का जैक भी अगर गंदा हो जाता है तो आप उसको भी साफ कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट की मदद से, जो कि एक बहुत इजी टू यूज गैजेट है। और साथ ही इसमें छोटे छोटे ब्रशेस भी दे रखे होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप मोबाइल फोन के स्पीकर्स और माइक को भी साफ कर सकते हैं, जिससे कि आवाज भी आपको ठीक ठाक आती रहे। नंबर 1, इनविंसिबिलिटी शील्ड। हैरी पॉटर मूवी के अंदर आपने एक इनविजिबल क्लॉथ तो जरूर से देखा होगा, जिसे ओढ़ने के बाद कोई भी उसके अंदर गायब हो जाता था। तो ऐसा क्या वाकई पॉसिबल हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है इस तरीके के गैजेट की मदद से। दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा ग्लास होता है जिसमें कि रिफ्लेक्शन का कुछ ऐसा खेल होता है कि आप जिसके सामने भी इसे रख देते हैं तो उसके पीछे वाली चीज एकदम गायब हो जाती है, और आपको ऐसा लगेगा जैसे पीछे कुछ रखा ही नहीं है। तो दोस्तों, कमाल का ये ग्लास रहता है, जो कि एकदम यूनिक टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया जा सकता है लोगों को चकमा देने के लिए। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का एक नायाब नमूना रहता है ये ग्लास, जिसके लिए दोस्तों बनता है एक लाइक तो आपकी तरफ से। वहीं दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, देखते रहिए न्यू टेक गैजेट। नमस्कार।